हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो लास्ट जो टॉपिक है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये है आपका दंड चुंबक तथा धारावाही प्रणालिका के चुंबकीय व्यवहारों की तुलना। दंड चुंबक तथा धारावाही प्रणालिका के चुंबकीय व्यवहार की तुलना। तो दंड चुंबक क्या होता है? ये एक प्राकृतिक चुंबक होती है जिसके जो एक छड़ के रूप में होती है, इसलिए हम इसको बार मैग्नेट या दंड चुंबक कहते हैं। तो दंड चुंबक किस तरीके का होता है? ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और इसे कहते हैं दंड चुम्बक। धारावाही प्रणालिका, प्रणालिका के बारे में आपको बता चुका हूँ जो ये। अब मैं इसमें आपको एक परिस्थिति बताता हूँ इसके अंदर की। मान लो कि ये एक प्रणालिका है, इस तरीके से तो ये मैंने इसको इस तरीके से बाउंड किया हुआ है। तो भाई तो इसमें क्या है कि ये अंदर से होती हुई इसमें करंट आती है यूं जा करके, फिर ये यूं। और फिर यहाँ से ऐसे निकलती है ये आई। अब हम इसी को इस तरीके से कर दें,
मैंने प्रणालिका को सेम वही रखा है, सिर्फ इसके अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज की है। तो अब इसको अगर हम देखते हैं इस तरीके से, तो ये यूँ चल करके यूँ जाती है, यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है कि ये इसका जो सिरा होगा वो साउथ पोल होगा और ये इसका नॉर्थ पोल होगा। ये मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो अब ये साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब इनके व्यवहार की तुलना देखते, तुलना का मतलब ये व्यवहार की तुलना का अर्थ ये होता है कि इसमें चुंबकीय गुणों के अंदर क्या तो इसमें समानता होती है और क्या विषमानता होती है, क्या इनमें अंतर होता है। तो ये चुंबकीय व्यवहार की समानता है, इनमें क्या क्या समानताएं होती हैं? नंबर एक, दंड चुंबक तथा प्रणालिका दोनों में चुंबकीय ध्रुव होती है। जैसे इसमें नॉर्थ और साउथ है, वैसे इसमें भी नॉर्थ और साउथ है। नंबर दो, दंड चुंबक तथा प्रणालिका दोनों में दिशा निर्देशन का गुण होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई हम दंड चुंबक को अगर इसके बीच में से बांध करके फ्रीली लटका दें तो ये नॉर्थ साउथ के अंदर रुकती है हमेशा। ऐसे ये आपकी प्रणालिका है, धारावाही प्रणालिका है, अगर इसको हम बीच में से बांध करके लटका दें तो ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर ही रुकेगी। तो दिशा निर्देशन का गुण होता है इनके अंदर दोनों में। तीसरा, दंड चुंबक तथा प्रणालिका दोनों लौह चुंबकीय पदार्थ को पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो दंड चुंबक भी लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है और प्रणालिका धारावाही प्रणालिका है तो वो भी लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये इन दोनों की समानताएं हैं व्यवहार के अंदर, चुंबकीय व्यवहार की समानताएं हैं। तो इसकी अब हम इसकी विषमानताएं या इसकी असमानताएं लेते हैं। तो ये
असमानताएं क्या क्या हैं इसके अंदर। तो हम यहां पर ऐसा करें कि एक तो यहां दंड चुम्बक लिख लें और एक यहां प्रणाली का। और यहाँ इसकी एक सारणी बना देते हैं, इससे ज़्यादा स्पष्ट होगा। पहला ये है इसमें चुंबकीय ध्रुव स्थाई होते हैं। इसका मतलब है कि जो नॉर्थ है वो नॉर्थ ही रहेगा हमेशा और जो साउथ है वो साउथ रहेगा। इसमें प्रणालिका में ऐसा नहीं होता है, प्रणालिका में चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति को बदला जा सकता है। प्रणालिका में चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति को परस्पर बदला जा सकता है। यानी प्रणालिका में क्या, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है, इसमें प्रणालिका में विद्युत धारा यहाँ से एंटर करती हुई दिखाई है, तो ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ है। अब मैंने इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये इसके नॉर्थ और साउथ चेंज हो गए। तो प्रणालिका में चुंबकीय ध्रुव की स्थिति जो है परस्पर बदल सकते हैं, यानी कि इसमें चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति स्थायी रूप से नहीं होती है। जो ये दूसरा इसमें चुंबकत्व स्थायी होता है। यानी इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते प्रणालिका में, इसमें जो चुंबकत्व होता है वो कभी स्थायी नहीं होता है। यानी इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको आप बदल सकते हैं। इसका चुंबकत्व अस्थायी होता है। इसका मतलब यह कि जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी तब तक इसमें चुंबकत्व रहेगा, और विद्युत धारा आपने बंद कर दी तो इसका चुंबकत्व भी खत्म हो जाएगा इसका जो भी। और इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें चाहे आप इस 12 मिनट को यूज करो या ना करो, इसमें चुंबकत्व जो होता है वो हमेशा बना रहता है इसमें। तीसरा दंड चुंबक जो होता है तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण ये होता है एम इक्वल टू एम इंटू टू एल। और इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है
तो इसका चुंबकीय आघूर्ण है उसका होता है एम इक्वल टू एन आई ए, एन फेरों की संख्या, आई प्रवाहित विद्युत धारा, ए प्रत्येक लूप का क्षेत्रफल। यहाँ पर एम होता है ध्रुव प्रावल्यता और 2L होती है चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए दंड चुम्बक और ये प्रणाली का अब इसमें देखा जाए तो दंड चुम्बक जो होता है इसका जो चुम्बकत्व होता है वो स्थायी रूप से होती है, परमिबिलिटी इसकी स्थायी रूप से होती है, लेकिन इसमें इस तरीके का ऐसा नहीं होता है। यानी प्रणालिका में जो होता है वो अस्थाई होता है इसके अंदर जो ये। तो इसका जो दंड चुम्बक है चार, दंड चुम्बक के आसपास क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होता है। इसमें क्या है, प्रणालिका के अंदर ही चुंबकीय क्षेत्र होता है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। प्रणालिका की बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसमें बाहर चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल शून्य नहीं होता है, इसमें हर जगह चुंबकीय क्षेत्र कुछ न कुछ होता है। इसमें प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है लेकिन बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। इसमें तो ये इसके कुछ डिफरेंसेस थे दंड चुंबक और प्रणालिका। सामान्यतः स्टेट बोर्ड के अंदर ये पूछा जाता है कि दंड चुम्बक और धारावाही प्रणालिका के चुम्बकीय व्यवहार की तुलना करो। तो तुलना करने में उसमें क्या होता है, आपको उसमें अगर वो ये कहता है भाई समानताएं बताओ या विषमानताएं बताओ, तो सामान्यतः विषमानताएं बताई जाती हैं। समानताएं अगर पूछता है तो आप उसको लिखिएगा, नहीं पूछता है तो आप उसको मत लिखिएगा। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया हो उसी तरीके से आप उसमें लिखिएगा। तो एक इसमें आपका दो या तीन विषमानताएँ लिखनी होती हैं तो वो आप इसमें से मैंने आपको बता दिया, उस तरीके से आप इसमें विषमानताएँ बता सकते हैं। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ, इसमें कुछ एक अलग ही है थोड़ा सा टॉपिक, हालांकि बुक में दिया हुआ है कि अगर कोई धारावाही प्रणालिका है और वो सीमित लंबाई की है
एक तो यह कि एक आदर्श प्रणाली का होती है, तो हम आदर्श प्रणाली का न लेकर के एक सीमित लंबाई की प्रणाली का लें तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसकी इसका फॉर्मूला क्या होगा इसमें? सीमित लंबाई की प्रणालिका, धारावाही प्रणाली, तो सीमित लंबाई की धारावाही प्रणाली का है। तो जैसे आप मान लीजिए कि भाई आपके पास ये प्रणाली का है जो है यहाँ पर, ये आपने यहाँ पर इसके ये इसका अक्ष है, इसका ये अक्ष, ये प्रणाली का अब मान लो कि आप यहां पर कहीं चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं इसके ओ पॉइंट पर जो कि इसके अंदर है, और इसके एक सिरे को हम यहां पर इस तरीके से ऐसे मिला दें और दूसरे सिरे को ऐसे मिला दें। तो अब मान लें कि भाई यहाँ पर ये जो कोण होता है ये फाइव वन है जो, और ये जो कोण है ये है फाइव टू, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। तो प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू वन बाई टू म्यू नॉट एन आई इंटू कॉस फाइव वन माइनस कॉस फाइव टू, ये इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन। अगर हम एक आदर्श प्रणाली का लेंगे तब तो इसमें वन बाई टू भी नहीं आएगा और ये टर्म भी नहीं आएगा, सिर्फ म्यू नॉट एन आई आएगा इसके अंदर से। लेकिन हम यहाँ पर लेते हैं तो फिर आप इसमें इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गया एक सीमित लंबाई की धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। अब जो भी आपको इसमें फाई वन और फाई टू के मान दे रखे हो तो वो आप इसमें रख करके और ये वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं कि बी का मान इसके अंदर कितना होगा। तो ये तो हमने सीमित लंबाई के लिए, अगर मान लो कि ये अनंत लंबाई की होती अनंत लंबाई की प्रणालिका, इसका मतलब क्या है आदर्श प्रणालिका, अब हम अनंत लंबाई के ले लें आदर्श प्रणाली का ले लें, तो उसमें ये तुरंत आप इसमें देख सकते हैं कि जब ये अनंत लंबाई की होगी तो इसमें क्या होगा, इस फाइव वन का मान जीरो की तरफ अग्रसर होगा और फाइव टू का मान 180 की तरफ अग्रसर होगा। तो इसके लिए फाइव वन का जो मान होता है फाइव वन ये हो जाएगा इसमें आपका जीरो डिग्री, और फाइव टू इसका मान हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसी स्थिति में आप ये देख सकते हैं बी का मान कितना होगा, अतः बी इक्वल टू
वन बाई टू म्यू नोट एन आई, और ये कॉस फाई वन का मान 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। सो ये इक्वल टू 1/2 म्यू नोट एन आई, इसका मान 1 के बराबर होता है, इसका मान -1 होता है, तो B इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन आई, इसका मान 1+1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 म्यू नॉट एन आई इंटू 2। इस 2 से ये 2 काट देंगे तो ये इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये इक्वल टू। तो इसको हम पढ़ चुके हैं जो कि आदर्श प्रणालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इतना होता है। और सिरों पर अगर देखें इसमें जो तो हम इसमें यहां डाल दें प्रणालिका के भीतर, प्रणालिका के अंदर, और दूसरा पॉइंट ले लें प्रणालिका के सिरों पर, अब हम सिरों पर निकालें तो आदर्श पंजे से सपोज करो कि आप इस पॉइंट को यहाँ पर ले आए, इस सिरे पर ले आए, या इस पॉइंट को आप यहाँ पर ले जाएं, तो अगर हम इसको इधर की तरफ अग्रसर करते हैं तो फाई वन का मान इसमें 90 डिग्री हो जाएगा, और जो फाई टू का जो इसमें मान है फाई टू का मान है वो क्योंकि हम इसको इधर की तरफ लाएंगे तो ये पॉइंट ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा इसके अंदर, तो ये 90 डिग्री और इसका मान हो जाएगा 180 डिग्री फाइ टू का मान, और अगर हम इसको इधर की तरफ लाएंगे तो फाइ टू का मान हो जाएगा 90 डिग्री और इसका मान हो जाएगा इसमें 180 डिग्री। तो सिरों पर देखें तो फाइ वन इक्वल टू 90 डिग्री और फाइ टू इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें B का मान निकालें 1/2 म्यू नॉट एन आई कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। सो ये इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन आई कॉस 90 का मान 0 माइनस और ये -1। सो ये इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन आई, और यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये 1 आएगा जो इसमें। सो बी का मान म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। तो आदर्श प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भीतर चुंबकीय क्षेत्र का ठीक आधा होता है इसके अंदर से। तो ये है अगर सीमित लंबाई की प्रणालिका दे रखी है तो आप इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, फाइव वन फाइव टू का जो भी इसमें मान दे रखे हो आप उसको मान रख करके इसका मान निकालेंगे। अगर इसी फॉर्मूले को हम अनंत लंबाई की प्रणालिका के लिए लेंगे तो भीतर के लिए इसमें ये स्थिति होगी फाइव वन फाइव टू की, और सिरों पर ये फाइव वन फाइव टू की स्थिति ये हो जाएगी इसमें। तो इस तरीके से जो प्रणालिका होती है उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान सर्वाधिक होता है और उसकी सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर के चुंबकीय क्षेत्र का ठीक आधा होता है। तो ये है सीमित लंबाई की धारावाही प्रणाली। तो आपके जो छोटे मोटे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं स्टेट बोर्ड के अंदर तो आप उनका आंसर इससे दे सकते हैं। थैंक यू।